आपका फोकस किस पे है देने पे या लेने पे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं देर नेम सर भूषण ने जिंदगी में 50% परसेंट अच्छे काम किए 50% परसेंट बुरे काम किए डिड did परसेंट ग्रेटेस्ट पॉसिबल वर्क एंड 50% परसेंट ऑर्डिनरी वर्क और जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज कंफ्यूज हो गए इसको स्वर्ग में भेजूं या नर्क में भेजू वेदर टू तो सेंड him टू तो हेल और हेवन माई गॉड

Said, said, भूषण को डिसाइड करने all right. so, जब ऐसा सिचुएशन चल रहा था तो भूषण गोट सुपर एक्साइटेड भूषण ने कहा यार मुझे तो लगा था मुझे नर्क में भेजेंगे तो मुझे दोनों चॉइस मिल गई एक काम करता हूँ दोनों प्लेस विजिट कर लेता हूँ फिर ये देखेंगे किधर जाना राइट भूषण भी पुणे कर है प्रॉपर पुणे कर तो वो अपना ऑपरचुनिटी का लाभ कैसे लेना ही नोज सो भूषण ने जब बोला कि दोनों प्लेस देखना है यमराज ने कहा नो प्रॉब्लम कम ऑन लेट्स गो सो भूषण ने भूषण से पूछा गया विच प्लेस डू यू वांट टू सी फर्स्ट कौन सा प्लेस पहले देखना है ही सेड हेल फर्स्ट सो उसको लिफ्ट में डाला गया टक 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 टेन फ्लोर डाउन लिफ्ट ओपन भूषण एंटर्स इन हेल एंड भूषण देखता ही रह गया ब्यूटिफुल प्लेस लोग हंस रहे थे डांस कर रहे थे इंजॉय कर रहे थे सेलिब्रेट कर रहे थे देवर सिंगिंग देवर इंजॉय देवर सेलिब्रेटिंग आई मीन वॉट भूषण ने कहा नर कितना सुंदर है घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा अचानक से इसको एक बहुत बड़े डाइनिंग हॉल में लेके जाया गया एंड इन दैट डाइनिंग हॉल ऑल द पीपल वर क्राइंग पल वाइंग आउट ऑफ हंगर कोई भूख से मर रहा था कोई बिलक रहा था कोई लड़ रहा था कोई चिल्ला रहा था कोई मर रहा था भूषण गॉट वो शेट व काफ प्लेस इज उसने यमराज से पूछा अरे यार ये रोक क्यों रहे चिल्ला क्यों रहे परेशान क्यों हो रहे हैं यमराज से आर नॉट एबल टू ईट फूड ये खा क्यों नहीं पा रहे बेस्ट से बेस्ट फूड आपके टेबल पर रखा हुआ है वाई दे आर नॉट एबल टू ईट यमराज ने कहा उनकी कोहनियों की तरफ देखो और उसने जब उनकी कोहनियों की तरफ देखा वेन ही लुक डेट द एलबो फाउंड नो बैंड नो मैटर हाउ मच फूड दे दे आर आर पिकिंग अप नॉट एबल टू पुट इट इन द माउथ क्योंकि हाथ टेढ़ा ही नहीं हो रहा है भूषण ने कहा ओ शिट इट्स अ स्के प्लेस मुझे जल्दी से जल्दी स्वर्ग में लेके चलो वापस से उसको लिफ्ट में डाला गया टक 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 टेन फ्लोर अप लिफ्ट ओपन एंड भूषण गोज इन टू हेवन

आ, ah, स्वर्ग में लोगों का ध्यान क्या है तू भी ले टू बी ले यू ईट यू ईट आई डोंट टू ईट एंड वेन आई गिव टू हैंड्स इज हैपनिंग टू मी आर ऑफ हैंड्स रेडी टू फीड मी एक हाथ से दिया तो हजारों हाथ से मुझे मिलने लग गया द फोकस इज ऑन मेकिंग देर डे द फोकस हैज टू बी ऑन बींग प्रेजेंट द फोकस हैज टू बी ऑन इनोवेटिव एम आई राइट दैट इज वॉट टू बी देर एक गांव में दो जेंटलमैन पैदा हुए दोनों के दोनों की जिंदगी बहुत बेहतर थी दोनों एक दिन मर गए और जब यमराज के पास गए यमराज बिकेम वेरी एक्साइटेड टू रिसीव देम बोला यार तुम दोनों ने अच्छे काम किए हैं तुम्हें वापस से इंसान का जन्म दिया जाएगा यू विल अगेन बी गिवन द बर्थ एज ये जब यमराज को बोला गया ओ सॉरी इन दोनों को बोला गया दोनों अगेन हैप्पी हुए यमराज ने कहा आस्क मी फॉर वन विश कौन सी ऐसी विश है जो आपको चाहिए तो एक ने कहा सर आई वॉज वेरी रिच मेरे पास बहुत पैसा था बहुत धनवान था मैं बहुत रिच मेरे पास बहुत पैसा था बहुत धनवान था मैं बहुत कुछ अच्छा था मेरी जिंदगी में सब कुछ बेटर चल रहा था बट हर रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता था सर मेरी रिचनेस को देख के कोई ना कोई डेली बेसिस पे मांगने आ जाता था एवरी डे समर दर पीपल रेडी टू आस्क मी फॉर समथिंग इस जन्म में कुछ ऐसा करो कि किसी को कुछ देना ना पड़े भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो एंड सो इट इज द सेकेंड पर्सन द गॉड उसने कहा सर एक बार ना सारी जिंदगी अच्छे से जी लेकिन एक दिन घर पे एक मांगने वाला आया था और उसको खाना नहीं दे पाया उसको भूखा भेजना पड़ा इस बार कुछ ऐसा करो किसी को कोई मेरे घर से भूखा ना जाए किसी ने जो भी मुझसे मांगा मैं उसको आसानी से दे सकूं एंड यमराज सेट तथा टू द फर्स्ट गाय वो बन गया उस गाँव का सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑफ दिजनेस मैन ऑफ लेने पे जब आप सुबह कहते हो मुझे कंपनी जाने में मजा नहीं आ रहा जिस समय आपके कंधे झुके हुए हैं जिस समय आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है उस समय आप कह रहे हो क्या मिल रहा है कंपनी से सैलरी सबको मिल रही है but the day you say i am here to give i am here to contribute kahi to contribute karna hai so why not i give my 200% to this company that day you are having a focus on giving having a focus on giving 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 madness with giving attitude creates miracle can you repeat it after me madness with giving attitude creates miracle